अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिक्योरिटी के हवाले से कि सेल्स को लॉक और अनलॉक किस तरह किया जाता है। तो लॉक और अनलॉक सेल्स करने का मकसद ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई भी शीट आपने जो ड्रॉ कर रखी है और अगर आप उसको ड्रॉ करके किसी को भी डेटा एंट्री करने के लिए देते हैं तो वो नॉर्मली कहीं भी चेंज कर सकता है। मिसाल के तौर पर वो इधर भी चेंज कर सकता है, वो यहाँ पर भी लिख सकता है। तो यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट आता है लॉक एंड अनलॉक सेल का। मिसाल के तौर पर अगर आप ये चाहते हैं कि जो डेटा एंटर करने वाला है सिर्फ यहाँ पर डेटा एंटर कर सके और बाकी शीट के फॉर्मेट को या फार्मूलाज को या बाकी एरिया को एक्सेस भी ना कर सके, तो उस सिलसिले में आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आप देखें, जब आप सेल्स में जाके फॉर्मेट में जाके देखते हैं तो तमाम सेल्स जो है बाय डिफॉल्ट लॉक होते हैं। यानी कि अगर आप ये सेल भी लॉक है और ये भी सेल लॉक है, जिस एरिया में आप उसको अलाउ करना चाहते हैं वहां से लॉक सेल में से चेक हटा दें तो अब ये सेल्स हो गए अनलॉक। बाकी सेल्स लॉक रहेंगे और ये सेल्स हो गए अनलॉक। तो जो सेल्स अनलॉक हुए हैं वो ये हैं जो मैंने अनलॉक कर दिए, ठीक है। अनलॉक कर दिए, ठीक है। तो इसके बाद आपने बाकी सेल्स लॉक है अपनी जगह पे, पता कैसे चल रहा है कि लॉक के ऊपर ये निशान बना हुआ आ रहा है और अनलॉक पर ये निशान नहीं बना हुआ आ रहा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली फॉर्मेट में जाना है और यहां से कहना है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट में इस बात का ख्याल करना है, क्या कह रहा है, पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कहा एक पासवर्ड कोई भी, मैंने यहाँ पे कोई भी 3 अल्फाज का पासवर्ड रख लिया, तो ये कह रहा है कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा उन सेल्स को जो के लॉक है, मतलब उन सेल्स को लॉक कर दूंगा जिन जो के पहले से लॉक है, और यहां पर से अलाउ करूंगा उन सेल को जो के लॉक है अनलॉक है। तो यहां से जो लॉक है इस पे से चेक हटा दे और अनलॉक पे चेक लगा रहे दो। मतलब ये कि भाई प्रोटेक्ट करो उन सेल्स को जो लॉक है और अलाउ करो उन सेल्स पर जो के अनलॉक है, और इसको ओके करके पासवर्ड को दोबारा इसमें डालें और ओके कर दें। इसके बाद आप देखेंगे कि आप यहां क्लिक भी नहीं कर सकेंगे बाकी एरियाज पर, सिर्फ वहीं पर ही आपका कर्सर आएगा जहां पर आपने अनलॉक किया था और उसके आगे जा भी नहीं सकेगा, ठीक है ना। और पासवर्ड लगा रहेगा उसके ऊपर, सिर्फ डेटा उधर ही डाल सकते हैं, इसके नीचे आगे पीछे कहीं क्लिक भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपको जब पासवर्ड खोलना है तो देखिए ऊपर से फॉर्मेट वगैरह सब डिसेबल हो गया। अब आपको खोलना है तो फॉर्मेट में जाके आपने यहां से कहना है अनप्रोटेक्ट शीट और अपना सही पासवर्ड डाल के इसको दोबारा से अनलॉक कर लेना, ठीक है। इसका एक एडवांटेज ये भी है, मिसाल के तौर पर किसी शीट पर आपका फॉर्मूला लगा हुआ है, मिसाल के तौर पर मैं यहां से एक और शीट ओपन करता हूं, ये देखिए अब आइटम सोल्ड एंड परचेज शीट के ऊपर कुछ सेल्स के ऊपर तो मेरा फॉर्मूला है लेकिन कुछ सेल के ऊपर मेरा फॉर्मूला नहीं, उसमें सिर्फ डेटा है। जैसे कि इसमें देखें तो इसमें डेटा है, इसमें डेटा है, इसमें डेटा है, इसमें डेटा है, जबकि इन सेल्स के ऊपर लगा हुआ है फॉर्मूला। इन तमाम सेल्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, फॉर्मूला। तो ऐसा भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे आप डेटा वाले सेल्स को अनलॉक कर ले, मतलब आप चाहते हैं कि इन सेल्स के अंदर डेटा एंटर किया जा सके तो यहां जाके आप इसको अनलॉक कर ले और बाकी सेल्स तो ऑलरेडी लॉक है, और फिर इन्हीं सेल्स को भले सिलेक्ट करें ना करें फॉर्मेट में जाके प्रोटेक्ट शीट में जाके वापस से अपना एक पासवर्ड लगाएं और लॉक सेल पे से चेक हटा के ओके करके इसको दोबारा से पासवर्ड दोबारा एंटर करें, ओके कर दें। अब क्या होगा, यहां पर तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं और डेटा भी डाल सकते हैं, ये देखिए यहां से लेके यहां तक, इसको भी नहीं किया, तीसरा वाला मैंने नहीं किया, तो दोबारा से इसको अनप्रोटेक्ट करें, सही पासवर्ड डालें, ओके करें और इसको भी एक दफा फिर सिलेक्ट करके यहां से प्रोटेक्ट में जाके चेक हटा दें। और इसके बाद अब आप प्रोटेक्शन पे जाके दोबारा से एक पासवर्ड लगा दें और यहां से चेक हटा दें, ओके कर दें, और यहां से एक और पासवर्ड लगा के ओके कर दें। अब देखिए आप यहां पर सब में डेटा डाल सकते हैं जबकि इनको सिलेक्ट भी नहीं कर सकते, सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे। जैसे ही इसमें डेटा डालेंगे उसमें फार्मूला तो लगा हुआ ही है, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा डाला कॉस्ट 450, सोल्ड प्राइस 550 और क्वांटिटी बढ़ा के 24 कर दी, तो आप आगे देखें ऑटोमेटिकली सेल अपडेट हो रहे हैं। क्यों अपडेट हो रहे हैं, क्योंकि उनपे फार्मूला लगा हुआ है। इस तरह से आप अपना फार्मूला भी सेव कर गए, सेव कर गए क्यों, क्योंकि देखने वाले को पता नहीं कि यहाँ पे क्या फार्मूला लगा है और वो आपकी लॉजिक को आपकी ट्रिक्स को नहीं समझ सकेगा और आपकी बनाई हुई शीट पे सिर्फ वो डेटा एंटर कर सकेगा, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसी तरह से अभी जैसे कि इंसर्ट रोज वगैरह की भी अभी पाबंदी लगी हुई है इसके ऊपर, तो अगर आप इंसर्ट रोज को अब अलाउ करना चाहते हैं तो दोबारा इधर प्रोडक्शन में जाइए, इसका पासवर्ड खोलिए और उसको ओके कर दीजिए। वंस अगेन पासवर्ड खोलने के बाद गलत पासवर्ड डालेंगे तो नहीं खुलेगा, सही पासवर्ड डालें और इसको दोबारा से पासवर्ड डालने के बाद आप वो क्या क्या चीजें अलाउ करना चाहते हैं। आपने कहा मेरा पासवर्ड ये है, प्रोटेक्ट करो उन सेल को जो कि लॉक है और अनप्रोटेक्ट करो उन सेल्स को जो कि अनलॉक है, लेकिन साथ साथ रोज ऐड करने की भी इजाजत दे दो। तो जैसे इंसर्ट कॉलम इंसर्ट रोज,
जिस जिस पे चेक लगाते जाएंगे उसकी इजाजत मिलती जाएगी। जैसे इंसर्ट रोज पे चेक लगा के ओके कर दिया आपने, अपना पासवर्ड डाल दिया ओके कर दिया, तो अब यहाँ पर पहले तो रो इंसर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप रोज भी इंसर्ट कर सकेंगे और इस तरह कॉलम्स भी इंसर्ट कर सकेंगे। ये सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और पासवर्ड को दोबारा से अनप्रोटेक्ट करना है यहाँ से। इस तरह से आप अपनी शीट के ऊपर सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं और अपने शीट के ऊपर फॉर्मूलाज फॉर्मेट को बचा सकते हैं कि कोई भी शख्स उसको चेंज ना कर सके, ठीक है।